हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा, हमारी ये हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट चल रही है। इससे पहले हमने फ्रेंड्स 5 वीडियो अपलोड कर दिया है हिंदी भाषा शिक्षण पर। दोस्तों, ये हिंदी भाषा शिक्षण आप अगर टेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे या सीटेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन दोनों एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, 15 नंबर का क्वेश्चन अर्थात 15 नंबर के क्वेश्चन भाषा शिक्षण से सीटेट एग्ज़ाम में आता है। आप हिंदी भाषा शिक्षण दे रहे हो, गणित भाषा शिक्षण दे रहे हो या इंग्लिश पेडोगॉजी, तो इसमें 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो इसलिए ये सारे वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियो आपने ना देखे हो तो पहले जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन की सीरीज जो है टेट एग्ज़ाम और सीटेट एग्ज़ाम के मद्देनज़र बनाई गई है। प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक वह सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अपने आज की इस क्लास को अब शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, इससे पहले के वीडियो में हमने फ्रेंड्स 51 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में भी हमने मौखिक अभिव्यक्ति की ही बात की थी, तो मौखिक अभिव्यक्ति से काफ़ी क्वेश्चंस बना हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होगी। सुनो और बोलो विधि, अभ्यास विधि, ध्वनि साम्य विधि या देखो और बोलो विधि। तो दोस्तों, यहाँ मौखिक भाषा की बात की गई है, मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है, तो ध्वनि साम्य विधि यही इसका जो बेस्ट आंसर होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी होगी वह ध्वनि साम्य विधि होगी। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा 53 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। वाद विवाद और चित्र वर्णन किस भाषा कौशल से संबंधित है। यहाँ वाद विवाद की बात की गई है और दोस्तों चित्र वर्णन की बात की गई है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा कि इसमें से बेस्ट आंसर इसका क्या होगा। श्रवण कौशल, वाचिक कौशल, पठन कौशल या लेखन कौशल। तो वाद विवाद और चित्र वर्णन किस भाषा कौशल से संबंधित है। दोस्तों, चित्र वर्णन है यह भाषा की वाचिक कौशल से संबंधित होता है। वाचिक अर्थात बोलचाल से संबंधित होता है, शब्दों से संबंधित होता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वह वाचिक कौशल होगा। अब अपने 54 वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, हमारा 54 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन सी होती हैं। यहाँ श्रवण कौशल की बात की गई है, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या श्रुत लेख विधि, सस्वर वाचन विधि या कहानी कहना व सुनना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ श्रवण कौशल के लिए उपरोक्त सभी ही होगा, क्योंकि आप कहानी कहेंगे तब भी आपके श्रवण कौशल का विकास होगा, सुनेंगे तब भी। श्रुत लेख विधि, श्रुत लेख सुनकर ही कोई लिखता है तो वह भी श्रवण कौशल से संबंधित है, और सस्वर वाचन बोलकर अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो भी श्रवण कौशल से ही संबंधित हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका उपरोक्त सभी होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री है। यहाँ अब पूछ रहा है आपसे दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगी श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु। तो दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब आपको बताना होगा इसमें कि श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगी। वीडियो, चलचित्र और वीडियो, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सारी ही चीज़ें हमारा कंप्यूटर कह लीजिए, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, वीडियो, चलचित्र और वीडियो, ये सारे दृश्य और श्रव्य अर्थात आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, जो कि आपके श्रवण कौशल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे या बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे या बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो इसमें से क्या होगा,
सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो अब आपको बताना होगा कि क्या सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि सुनने की गति यदि रोचक और उपयोगी होगी दोस्तों, तो बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे अगर कोई भी चीज़ रोचक होगी तो, क्योंकि बच्चे रोचक वाली चीज़ें ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज़्यादा मन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पठन कौशल के अंतर्गत मौन पठन के गुण कौन से होते हैं। अब आपको बताना होगा कि मौन पठन का गुण इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों पठन कौशल के अंतर्गत मौन पठन के गुण, इसमें कक्षा में अनुशासन बना रहता है, तो बिल्कुल सही है, मौन पठन से कक्षा में अनुशासन बना रहेगा, थकान कम और समय की बचत होती है, ये भी सही है। मौन पठन से क्या होगा कि एनर्जी आपकी कम वेस्ट होगी तो थकान कम होगा और समय की भी बचत होती है, स्वाध्याय में रुचि जागृत होती है, तो बिल्कुल सही है ये भी। अगर आप मौन पठन करेंगे तो स्वखुद से अध्याय करने की रुचि आप में जागृत होगी, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम में पठन कौशल महत्वपूर्ण है। किस तरह से भाषा अधिगम में पठन कौशल महत्वपूर्ण होता है? शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, या व्याकरण ज्ञान में वृद्धि के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर भाषा अधिगम में पठन कौशल महत्वपूर्ण है, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल सही है, पठन कौशल से आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों का सभी तरह से विकास होगा, बिल्कुल सही है भाई, पठन कौशल से उनका सर्वांगीण विकास होगा, और पठन कौशल से भाषा के पठन कौशल से व्याकरण ज्ञान में भी वृद्धि होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थ ग्रहण पर आधारित पठन कौशल की कौन सी विधि है? अनुकरण विधि या संपर्क विधि, देखो और कहो विधि, वाक्य विधि या कहानी विधि, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी उपरोक्त सभी आंसर होगा, अर्थ ग्रहण पर आधारित पठन कौशल की विधियां। तो दोस्तों अनुकरण विधि भी अर्थ ग्रहण पर आधारित है, संपर्क विधि भी अर्थ ग्रहण पर आधारित है, देखो और कहो विधि भी हमारी अर्थ ग्रहण पर आधारित पठन कौशल है, वाक्य विधि और कहानी विधि भी। तो इस तरह से देखा हमने कि ये सारे ही ऑप्शन जो हैं करेक्ट होंगे, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट आज के वीडियो का क्वेश्चन होगा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? दोस्तों भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विशेषता वस्तुनिष्ठता, जांच सुगमता, या विश्वसनीयता, यथार्थता, या व्यवहारिकता एवं वैज्ञानिकता, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर फ्रेंड्स उपरोक्त सभी होगा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की विशेषता, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए मूल्यांकन करते वक्त, जांच में सुगमता होनी चाहिए, और मूल्यांकन हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, और व्यवहारिक एवं वैज्ञानिकता पर भी आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज थी, आज हमारे इस हिंदी पेडागॉजी सेक्शन को समाप्त करते हैं, इस सीरीज को समाप्त करते हैं, इसके बाद अगर कुछ और अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वो शुरू करेंगे।